Little Mermaid. महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां छुपा है एक अनोखा समुद्री साम्राज्य। एलिस, एलिस, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। मैं आ जाऊंगी। एलिस, कहां जा रही हो? रुको, रुक जाओ। एलिस, वहां मत जाओ, वहां बहुत अंधेरा है। कहां छुप रही हो एलिस? हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, मगर वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये हमेशा याद रखना, समुंदर की सतह पर जाना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। हाँ, खतरा? पिताजी, समुंदर के ऊपर क्या है? बेटा, समुंदर के ऊपर है इंसानों की दुनिया, जो समंदर को गंदा करती है। इंसान हमारे दुश्मन है। दादी माँ, मुझे इंसानों की दुनिया देखनी है। तुम समुद्री द्वार से तभी बाहर जा सकती हो जब तुम तुम्हारे बहनों जितनी बड़ी हो जाओगी। क्या इंसान हमारे दुश्मन है? सारे तो नहीं, पर कुछ इंसान बहुत बुरे होते हैं। वो समुद्री जीवों पर हमला करते हैं, इसलिए हमारा उनसे दूर रहना ही अच्छा है। डॉल्फिन, इंसानों की दुनिया कैसी है? इंसानों की दुनिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान बुरे हैं। क्या तुम मुझे समुद्री द्वार के बाहर ले जा सकते हो? मैं तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ, तुम तो बहुत बड़ी हो। हाँ, मोटू हिमरन है जो तुम्हें उसके मुंह में छिपा सकता है। चलो फिर हिमरन से मिलते हैं। हिमरन, मुझे समुद्री द्वार से बाहर ले चलो, मुझे इंसानों की दुनिया देखनी है। क्या, अरे पागल हो क्या? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया इस बारे में, मैं तो गया काम से। और वैसे भी इंसानों की दुनिया बहुत खतरनाक है, वो बहुत दुष्ट होते हैं। सब इंसान बुरे नहीं होते हिमरन, मुझे इंसानों की दुनिया देखनी है, मुझे अभी ले चलो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे क्या कर रही हो? अरे बाबा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वाव, सच? शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। कहाँ जा रहा हो? हमें समुद्री द्वार से बाहर जाना है। उम्र क्या है बेटा तुम्हारी? चलो घर जाओ। चिल्ले पिल्ले समुद्री द्वार के बाहर चल ले। और हिमरन भाई, बहुत दिनों से नजर नहीं आया। बकवास बंद करो और चुपचाप तुम्हारा काम करो। चला बड़ा पूछताछ करने। अरे वाह, मैं समुद्री द्वार से बाहर आ गई। अरे वाह, क्या नजारा है। हाँ, डॉल्फिन, वो क्या है? वो इंसानों का जहाज है
वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। चलो थोड़ा पास जाके देखते हैं। एलिस, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे तो खतरों से खेलना ही पसंद है। एलिस सुनो, एलिस, एलिस। वाह राजकुमार, बहुत बढ़िया। डॉल्फिन, क्या वो राजकुमार है? हाँ, पर ये मत भूलो कि वो एक मनुष्य है। तो क्या हुआ? मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है। एलिस, अरे यार, ये लड़की बिल्कुल सुनती नहीं है। सागर की मैं राजकुमारी, धरती के तुम राजकुमार। चलो खत्म करें हम ये दूरी, होने लगी हूँ मैं बेकरार। वाह, कितनी सुरीली आवाज है, पर ये आवाज है किसकी? कौन है वहाँ? एलिस, चलो जल्दी पानी में, वो हम पे हमला करने वाले हैं। हाँ? लगता है समंदर के लुटेरे हैं। हमला करो। जलपरी, लगता है वो सुरीली आवाज उस जलपरी की थी। राजकुमारी पर हमला हुआ है। क्या हमला हुआ है? आज हम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे, हमारी राजकुमारी पर हमला करोगे। आखिर वो दिन आ ही गया। समुंदर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य को छुप के देख रही है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुको, कोई हमला नहीं करेगा। तूफान आ जाओ, तबाही मचा दो। सागर के ऊपर अपना जोर दिखाओ। डॉल्फिन, हमें उनकी मदद करनी होगी, नहीं तो वो जहाज डूब जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। नहीं एलिस, वो हमारे दुश्मन है, चलो यहाँ से। राजकुमार,
राजकुमार आंखें खोलिए। राजकुमार आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। एक लड़की ने मेरी जान बचाई, मैंने उसकी आवाज पहले सुनी है, बहुत मधुर और सुरीली आवाज है उसकी। एलिस, मैंने सुना कि तुमने एक इंसान की मदद की, क्या ये बात सच है? हाँ पिताजी, पर अगर मैं ये नहीं करती तो वो पानी में डूब के मर जाता। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम समुद्री द्वार के बाहर गई? इंसान बहुत बुरे होते हैं एलिस, हमारे और उनके दुनिया के बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता। अब आएगा मजा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जादूगरनी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। बादशाह की बेटी को हो गया है एक मनुष्य से प्यार। मैं इंसान बनना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ? पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? तुम्हारी आवाज। अगर तुम्हें शर्त कबूल है तो ये लो। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। क्या करना होगा मुझे? ये पी लो, पर याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक सूर्योदय से पहले राजकुमार तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तू फिर से जलपरी बन जाओगी। हाँ? और राजकुमार तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। मूर्ख जलपरी, कल तो राजकुमार की मंगनी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। लगता है वो वही जलपरी है जो मेरे धुन पे गा रही थी। अरे ये तो जलपरी नहीं, कोई सामान्य लड़की है। लगता है मेरी गलत फहमी हुई। ये तुम्हारे पास कैसे आई? लगता है बेचारी बोल नहीं सकती। अरे 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 संभाल के, क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? इसे आराम की जरूरत है। चलो चलो मेरे साथ चलो। हमें एलिस की मदद करनी होगी बेटा। दुष्ट जादूगरनी ने एलिस की आवाज छीन ली है। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी एलिस ने एक मनुष्य से प्यार करने की गलती की है। सब इंसान बुरे नहीं होते बेटा। आज अगर मैं राजकुमार को नहीं बता पाई तो उसकी शादी हो जाएगी। मुझे किसी भी हालात में उससे बात करनी होगी। हाँ? मेरी प्यारी एलिस, कैसी हो मेरी बेटी?
रो मत बेटा, सब कुछ ठीक होगा। ए समुंदर की सारी शक्तियों, आओ मेरी बेटी को जादूगरनी के श्राप से मुक्त कराओ। बेटी, अब तुम जादूगरनी के जाल से मुक्त हो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जल्दी जाओ बेटा, वरना राजकुमार की शादी हो जाएगी। हिमरान! आपकी सेवा में हाजिर हूँ राजकुमारी। अरे ये क्या, तुम बोल सकती हो, फिर इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे खतरों से खेलने की आदत जो है। लेकिन तुम जलपरी से इंसान कैसे बनी? वो बहुत लंबी कहानी है।